हाँ, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोगों ने अभी क्लास 11 और 12 के नए बैच शुरू किए हैं और यहाँ पर आप चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यू कैन स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सब्जेक्ट, और जो कुछ आपका छूटा है वो आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग कवर करा देंगे, ठीक है। और ये कोचिंग पत्रिका चौराहे पे है, और गूगल पे आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जितना भी आपका छूटा है, जो आप देर से ज्वाइन कर रहे हैं, जितना भी छूटा है वो आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम लोग कवर करा देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर हमारा नोट कर लीजिए, ये कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। नंबर हमारा है 9415614156, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए, केमिस्ट्री के दो बैच चल रहे हैं, एक बैच दोपहर में चल रहा है, एक बैच मॉर्निंग में चलता है, गौरव सर पढ़ाते हैं वो वाला मॉर्निंग बैच, उसमें 8 to 10 क्लास 12 चल रहा है। अभी हम लोगों ने गर्मी की छुट्टी में डेली क्लास कर दिया उसमें, तो जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 8 to 10 12 चल रहा है और 10 to 12 क्लास 11 चल रहा है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और इसमें हम लोगों ने लेक्चर कितना कर लिया था शिशिर, 17 हो गया था, दिस इज लेक्चर 18। लास्ट टर्न पे थोड़ा सा अगर हम लोग रिकॉल करें, हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे थे। पहले तो हमको ये बता दीजिए, फिनॉल में किस तरह का ग्रुप लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है। क्योंकि फिनॉल में जब हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे तो देखिए आप, हाँ बहुत अच्छा, पहले तो ये रिकॉल कर लीजिए कि फिनॉल में, फिनॉल अंडरगोज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये रिकॉल करिए, फिनॉल अंडरगोज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, मतलब हाँ बोलिए, हाँ वो तो हो गया, वो तो पुराना हो गया, अब उसके आगे चले आए। एक तो हम लोगों ने ये किया था, ए पार्ट में हम लोग ने ये कंप्लीट किया था रिएक्शन ड्यू टू OH, और हम लोग यहाँ पर आ गए बी पार्ट पे, आ गए रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग में आ गए। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, इसमें कौन सा रिएक्शन होता है ये रिकॉल करना था। बेंजीन रिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिनॉल अंडरगोज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, देन आंसर इज, बहुत अच्छा, एसी रिएक्शन, फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसी रिएक्शन। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं, जब एसी रिएक्शन होगा तो एसी रिएक्शन के अंदर इसका जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, ये क्या होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि जब जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप पहले से अटैच कर दीजिए, जैसे बेंजीन रिंग है इसका क्लोरिनेशन कराना है, तो अभी तो क्लोरीन कहीं भी ला के अटैच कर दीजिए, मतलब अगर बेंजीन रिंग अकेले है तो ऑर्थोमेटा पैरा का कोई मतलब नहीं है। जब कोई ग्रुप पहले से अटैच होता है यहाँ पर, अब जब फिर अगर मान लीजिए क्लोरोबेंजीन ही है, इसी का क्लोरिनेशन कराना है, तो अब ये डिसाइड करेंगे ना कि क्लोरीन ऑर्थो पे आएगा, ये क्या है मेटा पोजीशन है, और ये वाला पैरा पोजीशन। तो ये हम सुनना चाह रहे थे कि पहले तो आपने बताया कि फिनॉल अंडरगोज एसी रिएक्शन, फिर अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एसी रिएक्शन व्हाट इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल जैसे यहां पर क्या लगा, फिनॉल में OH लगा है और इसके पास ये क्या है, दो लोन पेयर मैंने बना दिया, ऑक्सीजन पर टू लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से ये ग्रुप किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नहीं याद आता है उसको रटना शुरू करें, OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, OH इज, एक ग्रुप और ऐसा बता दिया हमने, ये कहा था कि दो, हाँ नहीं NO2 तो उल्टा हो गया, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग शिशिर, देखिए NO2 में दो ऐसे डबल बॉन्ड रहता है, एक कोऑर्डिनेट रहता है, ये जब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, जब इसका लोन पेयर ऑक्सीजन को दिया जाता है, और जब लोन पेयर इसको देंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो नाइट्रोजन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो जाएगा, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, जिससे आप, जहां तक हमें लग रहा है जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं वो NH2 था, जिससे आप कंफ्यूज हुए हैं, NH2 है, इसको क्या बोलेंगे एनिलीन, इसके पास देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, पेयर की बात हो रही, एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो दो रट लेते हैं एनिलीन एंड फिनॉल, दीज आर टू सच एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर है। दो क्वेश्चन इसी से बना रहे थे, एक तो दोनों का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस सेम है, कैसे पता लगा, इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग है ना,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर क्या लिखा था हम लोगों ने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये जो आपने शीर्षक बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग। अब गलती ना होने पाए, फिर फिनॉल वापस आ गए। तो फिनॉल के जो हमने आपसे क्वेश्चन किया कि फिनॉल का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, तो क्या बोले इकरा, नहीं इकरा को बोलने दीजिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बस ये सुनना है कि फिनॉल का, फिनॉल एंड एल्डिन दोनों का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, तो आप बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर आपसे क्वेश्चन कर दें कि कोई हमें मेटा डायरेक्टिंग एग्जाम्पल बता दीजिए, मेटा डायरेक्टिंग कोई ग्रुप बताइए, मेटा डायरेक्टिंग कोई कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड बताइए जो मेटा डायरेक्टिंग हो। मेटा डायरेक्टिंग में आता है देखिए आगे, हाँ बोले नाइट्रोबेंजीन आगे आएगा, अभी नाइट्रोबेंजीन भी आगे आएगा। इसको देखिए जरा, हमने बेंजीन रिंग बनाया और कंपाउंड का नाम बताइए पहले, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड लगा दिया, CHO लगा दिया, बेंजल्डिहाइड। देखिएगा जरा, कार्बन से अगर ऑक्सीजन अटैच है तो बॉन्ड पोलर होगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच कर दिया तो बॉन्ड पोलर होगा कि नहीं, क्यों पोलर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज नो, अरे उल्टा बोल गया यार, ऑक्सीजन इज, हाँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट मोर, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये बॉन्ड को पोलराइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, अभी आगे आएगा एल्डिहाइड, अगले चैप्टर में आएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मेटा डायरेक्टिंग। अब अगर इसका क्लोरिनेशन करा दें तो क्लोरीन कहां लाएंगे, मेटा पे आ जाएगा। अब इसका नाम बता सकता है कोई, बेंजल्डिहाइड का हमने क्लोरिनेशन करा दिया तो ये कंपाउंड बन गया, मेटा पे लाके क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो गया एम, हाँ मेटा बोले या एम बोले, एम क्लोरो बेंजल्डिहाइड हो गया, एम क्लोरो बेंजल्डिहाइड। अब इसी तरह से देखिए बेंजल्डिहाइड का एक क्रिएशन कंप्लीट हो गया, जो आगे कंपाउंड हमें करना है। इसी तरह से अगर ये बात समझ में आती है आपको तो ये भी कंपाउंड हम लोग को करना है। देखिए कौन सा कंपाउंड है बताइए, सी डबल बॉन्ड OOH, बेंजोइक एसिड, दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। यहां भी एकदम सेम है ना, अगर हाँ बेंजोइक एसिड हम लोगों ने किया तो एकदम सेम उसी तरह से आ रहा है। ये अपने आप क्यों नाराज हो गया ये, हाँ ये जो है बेंजोइक एसिड भी देखिए, ये OH बॉन्ड को जो पोलराइज करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर तो वही चीज हो गई ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बोलिए मेटा डायरेक्टिंग। तो बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड दोनों को अलग से थोड़ी ना पढ़ना है आपको, एकदम सेम रिएक्शन चलेगा, एकदम सेम रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं आपको खाली ये पता लग जाए कि ग्रुप कौन सा लगा है इसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। उसी से जिसको नहीं पता है वो खाली रिएक्शन बैठ कर रटता है, कहाँ रटने की जरूरत है यार, खाली ग्रुप को देखिए बस। अब फिनॉल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। फिर हमने क्या, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड आगे करना है हम लोग को, बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों का क्लोरिनेशन करेंगे तो क्लोरीन कहां जाएगी, मेटा पे आ जाएगी। ठीक है फिर वापस फिनॉल पे आते हैं, हाँ फिनॉल और एनिलीन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो ऑर्थो पैरा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी और भी इनके साथ में है। फिनॉल में बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर रिएक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या, हाँ कितना रिएक्टिव हो जाते हैं ये, और तेज बोली सुनाई नहीं पड़ रहा है, इतना तेज बोली यहां तक आवाज आए, नहीं सुनाई पड़ा। एनिलीन मोर रिएक्टिव देन एनिलीन, हाँ ये ठीक है। और दूसरा देखिए जरा, फिनॉल और एनिलीन के केस में एक चीज आपको खूब अच्छे से रटना है कि जब इसका हम लोग हेलोजनेशन कराते हैं तो लास्ट टर्म पे क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हेलोजन आर रिक्वायर्ड, 3 मोल्स, बहुत अच्छा 3 मोल्स।
इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है फिनॉल एंड एनिलीन, यही दो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जहां पे हेलोजनेशन कराते हैं तो 3 मोल ऑफ रिएजेंट और फिर ये क्या 2, 4, 6 पोजीशन, 6 पोजीशन। जैसे हमने ये कहा, हमने कहा 2, 4 और ये 6 होता है ना, 2, 4, 6 तीनों पे एक साथ हेलोजनेशन हो जाता है। ये अच्छे से लर्न करेंगे हम लोग। हेलो भैया, अभी हम क्लास ले रहे हैं, 4 बजे आ सकते हैं आप, यहाँ पे कोचिंग चलता है एक्चुअली है भैया। तो फिर आप अभी कहाँ खड़े हैं? हाँ, उसी के ठीक सामने एयरटेल ऑफिस है, एयरटेल ऑफिस से सटी हुई गली अंदर आ रही है, अंदर आएंगे तो संजय पांडे क्लासेस बोर्ड लगा है, आप अंदर आ जाइए, हम क्लास में, आप क्लास के अंदर ही आ जाइएगा क्योंकि है ना, आ जाइए। ओके ओके। तो क्या बता रहे थे, जब फिनॉल और एनिलीन का हेलुजनेशन करेंगे है कि नहीं, तो पहली बात तो 3 मोल्स ऑफ रिएजेंट लगेगा और तीनों पे एक साथ हेलुजनेशन जाएगा। तो ये पोजीशन देखिए ना, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, तीनों पे एक साथ हेलुजनेशन जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर दें, एनिलीन का हमने क्लोरिनेशन करा दिया, प्रोडक्ट का नाम बताइए। एनिलीन, बहुत अच्छा। उस तरह से फिनॉल का इकरा ब्रोमिनेशन कराया है, प्रोडक्ट बताइए। फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराया है, प्रोडक्ट का नाम बताइए। 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन लगेगा, फिनॉल प्लस 3 Br2, फिनॉल प्लस 3 Br2। तो अब हम लोग देखे अगली प्रॉपर्टी पर आ गए थे हम लोग, कॉपी में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हेडिंग किया था, नाइट्रेशन किया था, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब उसी जो अभी फिनॉल हम लोगों ने किया कि फिनॉल का नाइट्रेशन करा दें, पहले तो रिकॉल करिए कि व्हाट इज नाइट्रेशन, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिएक्टेड विद, बताइए किस, यस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट H2O3 के साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जैसे हेलोजनेशन हम लोगों ने किया, जब हेलोजन से रिएक्ट करते हैं तो हेलोजनेशन बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। फिर अगली प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या करेंगे, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फोनेशन कहेंगे। अब देखिए जरा, जैसे हमने फिनॉल का नाइट्रेशन किया, फिनॉल का नाइट्रेशन करें तो पहली चीज तो वही रिकॉल करिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यहां पे एम्फेसिस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में, 3 मोल्स ऑफ H2O3, सबसे इंपॉर्टेंट 3 H2O3। और किसी भी कंपाउंड का जो एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं तो या तो ऑर्थो पैरा अलग अलग बनता है या मेटा बनता है, मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएजेंट्स आर नीडेड, 1, मतलब और सारे कंपाउंड में अगर हमने टॉलवीन ले लिया होता या बेंजीन ले लेते और बेंजीन का नाइट्रेशन करा दें तो कितना H2O3 लगेगा, केवल एक ही लगेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। मतलब नॉर्मली जितने एरोमेटिक कंपाउंड है दे रिक्वायर कितना, 1 मोल ऑफ रिएजेंट। फिनॉल एंड एनिलीन, हाँ खाली ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे 3 मोल की जरूरत पड़ती है, इसको अच्छे से रटिएगा। और ऐसा क्यों होता है तो आप बोलिएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, इससे क्या फर्क पड़ता है, कंपाउंड बिकम्स हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, जब नाइट्रेशन हमने किया, अभी लिखेगा नहीं, अभी हम नोट कर रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए, नाइट्रेशन जो हमने किया तो अब अच्छा, जैसे क्लोरिनेशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देते हैं, उस तरह से नाइट्रेशन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा के ना NO2 लगा देते हैं, नाइट्रेशन में हाइड्रोजन हटा के NO2 लगा देते हैं। फिर हाइड्रोजन कहां से हटा के क्या लगा दें, हाँ बहुत अच्छा, ये हम करेंगे, OH पे कोई फर्क नहीं, ये 2 पर फिर 4 पे उसका 6 पे क्या लगा दें, NO2 लगा दें, NO2 NO2 NO2। नॉमन केचर क्या हो गया, 2, 4, 6 नो ट्राई नाइट्रो, 3 हो गया ट्राई नाइट्रो। फिर जो कंपाउंड था फिनॉल, इसी को देखिए एग्जाम में आपको इस नाम से मिलेगा, ये नाम कहीं देखा आपने,
पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पहले नोट करिए। नाइट्रेशन हेडिंग किया था हम लोगों ने, पहले ये रिएक्शन कर दीजिए, राइट। फिनॉल बेंजीन रिंग हैविंग OH प्लस 3HNO3, फिर प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग हैविंग OH, और उसका 2, 4 और 6 पे NO2 लगा दीजिए, 2, 4 और 6 पे NO2 लगा दीजिए, और नाम लिखिए नीचे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक नाम और लिखे PICRIC, पिक्रिक एसिड। एग्जाम में इस नाम से मिलेगा आपको, पिक्रिक एसिड, इसी को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, PICRIC, पिक्रिक एसिड। और उसके नीचे लिखे एक्सप्लोसिव, पिक्रिक एसिड इज एक्सप्लोसिव ऑल्सो, पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव। साइड प्रोडक्ट वाटर निकल जाएगा, प्लस H2O लिखिए। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, इसमें हमेशा वाटर ही बनता है, और जब क्लोरिनेशन कराते हैं तो हमेशा HCl बनता है, हमेशा HCl बनता है। अश्विनी कहाँ छोटे बेटा बताइए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ छोटा बताइए। पिक्रिक एसिड के नीचे लिखे एक्सप्लोसिव, पिक्रिक एसिड क्या होता है, इट इज एन एक्सप्लोसिव, पिक्रिक एसिड इज एक्सप्लोसिव। फिर एक चीज पहले देख लीजिएगा जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम पहले तो लिखे नोट नंबर 1, एक पॉइंट करके तब इस पे आते हैं, राइट। नोट नंबर वन विथ डायलूट HNO3, विथ डायलूट HNO3, विथ डायलूट HNO3 एट लो टेम्परेचर, विथ डायलूट HNO3 एट लो टेम्परेचर, ब्रैकेट में 298 केल्विन, ब्रैकेट क्लोज, फिनॉल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, फिनॉल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, नाइट्रोफिनॉल्स। देन केमिकल इक्वेशन, फिनॉल बेंजीन रिंग हैविंग OH, बेंजीन रिंग हैविंग OH प्लस HNO3, प्लस HNO3 डाइल्यूट कर लीजिएगा, डाइल्यूट, क्योंकि जनरली HNO3 का मतलब कॉन्सेंट्रेट लिया जाता है नाइट्रेशन में, ये डाइल्यूट है, इसके आगे DIL हमने कर दिया, डाइल्यूट। हाँ बोलिए, दोनों नाइट्रेशन है, बट पहला वाला था यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये था यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। दोनों में फर्क क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो तीनों पे आ जाएगा, और अगर डाइल्यूट लिया है तो ऑर्थो एंड पैरा पर आता है। तो दो प्रोडक्ट बना दीजिए, एक बार ऑर्थो वाला बनाइए बेंजीन रिंग हैविंग OH, और फिर ऑर्थो पे लगाइए NO2, ऑर्थो पे लगा दिया NO2 प्लस दूसरा प्रोडक्ट बना दीजिए बेंजीन रिंग हैविंग OH, और दूसरा पैरा पे लगाइए NO2, और नाम दोनों का लिखे ONP, दोनों का नाम एक साथ कर दिया हमने, ONP का मतलब ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ONP नाइट्रोफिनॉल, ONP नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। फिर लिखिए नोट नंबर 2, और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, प्लस वाटर रहेगा, नाइट्रेशन वाटर तो निकलेगा ही। नोट नंबर 2 लिखिए और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑब्जर्व करिए हमारा। जैसे कोई भी कंपाउंड फिनॉल तो एसिडिक होता है ना, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अगर हम किसी भी एसिड में
कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें। जैसे देखिए ये फिनॉल था, ठीक है, अगर हम किसी तरह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर दें तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसको जल्दी ब्रेक कर दें तो ये जल्दी H+ बना देगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। आप देखिए जरा, हमने यहाँ पे लाके NO2 लगा दिया। NO2 का काम क्या है? विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम है। अगर ये विड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? हाँ, अगर किसी एटम पे ध्यान सुनेगा, किसी एटम पे जब आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं तो उसके साइज पे क्या फर्क पड़ता है? छोटा हो जाता है। बहुत अच्छा, इसको रट लेते हैं, कैटायंस आर स्मॉलर, कहीं लिखिए इसको, कैटायंस आर स्मॉलर, ये क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन है, कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर, कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम, देन द पेरेंट एटम, देन द पेरेंट एटम। तो फिर देखिए जरा, अगर हमने कैटायन की साइज कम कर दी, मतलब ये ऑक्सीजन NO2 के लगाने से ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की साइज पे कोई फर्क पड़ा क्या? छोटा हो गया बेचारा। ये जो है NO2 लगाया और NO2 ने ऑक्सीजन की साइज को छोटा कर दिया, किसी एटम की साइज को हमने कम कर दिया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ द साइज बिकम्स स्मॉलर देन व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बहुत अच्छा, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं पीरियोडिक टेबल में हम लोग, तो साइज कम होती है, साइज कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई देखिए, अभी तो 11 से हाइड्रोजन का चैप्टर हट गया ना, अनफॉर्चुनेटली, ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि CBSE ने हटा दिया। हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कैसे हटा सकते हैं, लेकिन अब CBSE पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाइड्रोजन को दो ग्रुप में रखा गया ना, ग्रुप वन एंड ग्रुप 17, वन एंड 17। वन में क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की तरह से रिजेंबल करती, ग्रुप वन की तरह से, एल्कली मेटल की तरह, और कुछ प्रॉपर्टी 17 की तरह रिजेंबल करती हैं। अच्छा, अब जरा देखिए, आपसे क्वेश्चन ये कर दें कि जब ग्रुप वन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो धीरे से बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जितने भी ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं जब उनकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ग्रुप वन एलिमेंट्स ऑफ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन, देखिए क्लास 10 में बताते हैं कि अगर आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये मेटल होता है। 10th में बताते हैं कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं तो मेटल होता है, 5, 6, 7 नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन के तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट शुड बी अ मेटल, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है जिसको मेटल होना चाहिए, लेकिन ये नॉन मेटल की तरह क्यों बिहेव करने लगता है? तब इसका आंसर आता है साइज, इसका आंसर आता है साइज, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज कैसी है? हाँ, छोटी नहीं, बहुत छोटी, बहुत छोटी है, 37 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर हाइड्रोजन की साइज है, बहुत छोटी साइज है। तो साइज कम होने से क्या होता है, उसके अंदर कौन सा करेक्टर? नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो वही चीज यहां पे भी लेके आ रहे हैं कि जब साइज कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो देखिए, NO2 के लगाने से ऑक्सीजन बिकेम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी बढ़ी तो इस बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ा, OH बॉन्ड पे? देखिए, सुनिएगा, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर इज द बॉन्ड, इसको कहीं लिखिए जरा, ग्रेटर द डिफरेंस, लिखिए कहीं पेज के ऊपर लिखिए, ग्रेटर द डिफरेंस
ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन कॉमा वीकर इज द कोवेलेंट बॉन्ड। वीकर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, वीकर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब जरा देखिए भाई, ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनिटी आपने बढ़ा दी तो ओ एच का इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस, फिर से सुनिए, मैंने कहा जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी बढ़ा दी आपने तो अब ओ एच की इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो अभी जो सेंटेंस हमने लिखा है कि अगर डिफरेंस ज्यादा होता है, ग्रेटर द डिफरेंस वीकर इज द बॉन्ड, ये बॉन्ड और जल्दी ब्रेक करेगा, वीकर इज द बॉन्ड, जब ब्रेक करेगा तो H प्लस जल्दी प्रोड्यूस करेगा, बिकेम मोर एसिडिक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी एसिडिक कंपाउंड में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो उस कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये कंफर्म, ये पता लग गया, नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, सही है कि नहीं, नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, इतना मुझे समझ आएगा। अच्छा अब जरा देखिए, फिर नाइट्रोफिनॉल के अंदर तीन नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब नोट करिए, लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन नाइट्रोफिनॉल्स, इन नाइट्रोफिनॉल्स, इन नाइट्रोफिनॉल्स, नाइट्रोफिनॉल्स। फिर नीचे ऐसे लिखेगा P ग्रेटर देन O ग्रेटर देन M। हमने ऐसे लर्न किया पॉम, पॉम जैसे पोमेरियन डॉग होता है ना, तो मैं उसी से याद कर लिया पॉम, हमको याद अच्छा पॉम होता है, पोमेरियन डॉग होता है। और केमिस्ट्री में पॉम का मतलब क्या, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, इस पर कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है। फिर अगली हेडिंग करिए, थर्ड पार्ट पे आइए, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन के बाद अगला हेडिंग करिए सल्फोनेशन, हाँ डिक्री है, फिर से बोलिए विच वन, ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन नाइट्रोफिनॉल्स, मतलब तीन तरह के नाइट्रोफिनॉल होते हैं, उसमें से पूछेगा कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो फिर कौन सा, पैरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल मोस्ट एसिडिक होता है। एक तो वही हो गया कि नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, नाइट्रोफिनॉल ये भी लिख लीजिएगा कि नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्यों, विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ड्यू टू NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया इसलिए एसिडिटी बढ़ गई इसकी। फिर उसके बाद नाइट्रोफिनॉल के अंदर आए तो तीन तरह का नाइट्रोफिनॉल था, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको रटिएगा कि पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। फिर आगे चलिए, नहीं 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 नहीं, ये जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसका आंसर स्टेबिलिटी पे आता है, रेजोनेंस करके दिखाते हैं, वो लंबी कहानी अभी चलेगी, फिर अभी उतनी जरूरत नहीं है हम लोग को, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे कि जब स्टेबिलिटी दिखाना होता तो तीनों पे हम नाइट्रेशन कराएं कि फिर रेजोनेंस दिखाएंगे, जहां पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम एसिडिटी बढ़ा देंगे, अभी उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली हेडिंग हमने क्या किया, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन क्या होता है, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली नोट करिए, अच्छा रुक जाइए जरा, हेलुसिनेशन कराते हैं तो एच हटा के क्या लगाते हैं, क्लोरीन लगाते हैं, फिर नाइट्रेशन कराते हैं तो एच हटा के एनओ टू लगाते हैं, सब लोग बोलते रहिए भाई, उसी तरह से जब सल्फोनेशन कराते हैं तो एच हटा के SO3H लगाते हैं, SO3H लगाते हैं, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो आप किसी भी कंपाउंड का हेलुजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन अलग से रटने की जरूरत नहीं है यार, कहाँ जरूरत है, सब में वही करेंगे, हाइड्रोजन हटा के Cl लगाएंगे, हाइड्रोजन हटा के NO2 लगाएंगे, हाइड्रोजन हटा के SO3H लगाएंगे, तो कहाँ नई चीज आ रही है,
प्लस देखिए जब आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे इसका दूसरा वाला क्लोरीन कहाँ जाएगा, Cl2 रहा होगा ना ये, तो Cl2 में से एक क्लोरीन तो आके ऐड कर दिया, दूसरा कहाँ गया, HCl बनाया, साइड प्रोडक्ट बनाया। उस तरह से नाइट्रेशन में साइड प्रोडक्ट, देखिए देखिए आपको याद हो जाएगा HONO2 ये नाइट्रिक एसिड होता है। हम क्या करते हैं यहां से H लेते हैं, यहां से OH ये वाटर निकलता है, ये वाला H कहां से लिया, ये जिस कंपाउंड का नाइट्रेशन किया आपने, जैसे फिनॉल का किया तो फिनॉल से हमने H ले लिया, नाइट्रिक एसिड से क्या लिया OH लिया, ये मिलके वाटर बन गया, और यही H हटा के उसकी जगह पर NO2 लगा देते हैं। फिर इसी तरह से देखिए HO SO3H, कुछ गैस करिए क्या लिखा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है HOSO3H, ये H2SO4 है ये। जब मैकेनिज्म में करेंगे तो फिर उसी तरह से देखिए एनी कंपाउंड विच अंडरगो सल्फोनेशन क्या हटाएंगे, एच हटाएंगे, यहां से OH लेंगे, ये मिलके वाटर बन गया, वाटर बन गया, और यही एच हटा के ये लगा दिया हमने, क्या लगाया SO3H, नाम क्या सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इसके नाम में क्लोरो आ जाएगा, क्लोरोफिनॉल, इसके नाम में प्रीफिक्स नाइट्रो आ गया नाइट्रोफिनॉल, और इसमें क्या होता है ये सफिक्स में जाता है सल्फोनिक एसिड, फिनॉल सल्फोनिक एसिड, बेंजीन का कराए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीडिहाइड करें बेंजीडिहाइड सल्फोनिक एसिड, जिस भी कंपाउंड का सल्फोनेशन करा दें तो ये रिएक्शन ऐसे चलेगा। तो तीनों अब तो मेरे ख्याल से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है कंप्लीट करिए। एक्सप्लेनेशन लिखिए पहले एट लो टेम्परेचर ब्रैकेट में 293K एट लो टेम्परेचर इन ब्रैकेट राइट 293K ब्रैकेट क्लोज ओ आइसोमर ऑर्थो ओ आइसोमर प्रीडोमिनेट्स ओ आइसोमर प्रीडोमिनेट्स प्रीडोमिनेट्स वाइल दी पी आइसोमर पैरा वाइल दी पी आइसोमर प्रीडोमिनेट्स एट हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में 373K देन केमिकल इक्वेशन। देखिए हमको दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमने फिनॉल को पेज के बीच में बनाया, एक बार राइट जाएंगे एक बार लेफ्ट जाएंगे, तो फिनॉल रिंग को पेज के बीच में बनाइएगा। पहले हमने क्या कर दिया हाई टेम्परेचर पे लेके गए, ये किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 293K कर दिया और इधर आ रहे हैं तो लोअर टेम्परेचर पे आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोअर टेम्परेचर कितना 373K। तो एक प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर बनता है एक लो पे बनता है, राइट पे हमने हाई टेम्परेचर दिखा दिया लेफ्ट पे लो टेम्परेचर दिखाया, ये 293K हो गया, दोनों पे एरो पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, हाई टेम्परेचर पे कौन सा बनता है ऑर्थो वाला बनता है। तो देखिए हमने ये तो पहले कॉपी कर दिया जैसे फिनॉल लिखा था, हाँ जब जाइए हाई टेम्परेचर पे गए वाइल पैरा हाँ सॉरी हाँ रुकिए ये गलती हो गया ना, उधर लो टेम्परेचर है ठीक है, तो लो पे क्या बनता है ऑर्थो बनता है, हाँ तो ठीक तो है लो पे ऑर्थो, तो ऑर्थो पे क्या लगा दें SO3H क्योंकि ये 373 है ना, हमको लगा 273, वो गलती हमसे हो गई, 293 लोअर टेम्परेचर था, और इधर क्या बना दें OH लगा के फिर पैरा पे लगा दीजिए, क्या लगा दें SO3H लगा दें, पैरा पे लगाइए SO3H, फिर दोनों का नाम क्या हो गया ONP, फिनॉल सल्फोनिक एसिड,
ऑर्थो एंड पैरा, अलग अलग कंपाउंड है ये, फिनॉल सल्फोनिक एसिड, फिनॉल सल्फोनिक एसिड, फिनॉल सल्फोनिक एसिड। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 8, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन। और तेज बोलिए बेटा, सल्फो भी होता है, सल्फो भी यही लगेगा जब SO3H और जैसे बेंजोइक एसिड भी आ जाता है तो फिर सल्फो प्रीफिक्स में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, हाइड्रोजनेशन में कुछ नहीं करना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। किसी कंपाउंड में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसी को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। पहले एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर हमने किसी भी कंपाउंड इसके अंदर हाइड्रोजन हमको ऐड करना है, कितना हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, कितना हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो देखिएगा थोड़ा हिंट आपको करते हैं। जब हम लोग, फिर से बोले, रिंग टूटेगी नहीं, अनसेचुरेशन खत्म हो जाएगा। जब भी हाइड्रोजन ऐड करते हैं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ऑयल से घी बनाना है, ऑयल से घी बनाना है, तो जानते क्या करते हैं, बहुत अच्छा, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। अब देखिएगा, ऑयल जो होता है, ऑयल ये होता है और घी ये होता है, ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, और घी जो होता है वो सेचुरेटेड होता है, इसी को फैट कहा जाता है, ऑयल्स एंड फैट्स में क्या डिफरेंस हो, क्या सिमिलरिटी, ऑयल्स एंड फैट्स, हाँ ऑयल्स आर अनसेचुरेटेड एंड ये सेचुरेटेड होता है। और डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड लगाना है तो क्या कर दें, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए बस। इसीलिए इस प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहा जाता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल बिकम हार्ड, जब ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। कौन सा आप प्रेफर करेंगे, सेचुरेटेड के अनसेचुरेटेड खाने के लिए, अगर सेम प्राइस पे आपको ऑयल दिया जाए, घी दिया जाए, तो कौन से लेना चाहेंगे, हैं, क्यों घी लेना चाहेंगे, क्यों, किस बेसिस पे, हाँ 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 देखिए उल्टा हो गया। हम खाने को जब भी हम लोग खाते हैं तो खाना काइम में कन्वर्ट होता है ना, रोटी खाई तो रोटी डाइजेस्ट थोड़ी ना होती है, जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, सॉलिड ही डाइजेस्ट होगा। जब 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज, क्या बोलते हैं उसको, विलाइज, क्या बोलते हैं, जो ऐसे रोए रोए निकले रहते हैं, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, भाई आई बी ना मैथ स्टूडेंट इसलिए हमको नहीं पता, ये आप ही लोगों से सुन सुन करके भी, जब अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई हम करते हैं बस, हमको बायो में मज़ा आती है, हमको नंबर नहीं चाहिए कुछ नहीं, बस हमको मज़ा आती है, योगा में हमको ज़रूरत पड़ती है तो उतना हम करते रहते हैं। तो जब इंटेस्टाइन में खाना सारे खाना न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो गया, अब न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब होना है, तो उसी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है ना, विलाइज कहते हैं, विलाइज कहते हैं। तो जब खाना एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी स्टेट क्या, सॉलिड एब्जॉर्ब होता है क्या, हाँ लिक्विड एब्जॉर्ब होता है। जब रोटी हम खाते भी हैं तो यहाँ पे जा करके कैसे, लुगदी समझते हैं, लुगदी नहीं, अच्छा मतलब है, हाँ बोले 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 फिर से बोले, नहीं रुई के जैसा नहीं, जैसे अगर सुबह के टाइम पे पहले ये होता था, स्कूल जाते समय
दादी, मम्मी नहीं, दादी, दादी क्या करती थी, चार रोटी शाम वाली बढ़ा के बनाती थी कि सुबह सुबह कौन बनाएगा, और एक कटोरे में दूध दिया, चार रोटी इसमें स्मैश किया, पाँच मिनट में मामला एकदम फिट। अब नहीं तो क्या आटा सानो, पराठा बनाओ, सब्जी अचार ये सब जो कुछ नहीं, रोटी शाम को बढ़ा के बन जाती थी और दूध रखा रहता था। तो जब रोटी को अगर 10 मिनट दूध में पहले से डाल दें तो एकदम उसमें गल जाती है, उसी को एकदम लुगदी उसी को कहते हैं, एकदम पेस्ट बन जाता है उसका। शाम वाली रोटी जल्दी पेस्ट बनती है, क्यों बनती नहीं पता, ताज़ी वाली रोटी जल्दी नहीं बनती है, और जो शाम वाली रोटी रहती दूध में बहुत जल्दी वो एकदम पेस्ट के फॉर्म, तो सॉलो करने में आसानी रहती, ज़्यादा कूचना नहीं पड़ता उसको, है ना, तो वो एकदम स्मैश हो जाती। या आप केले को स्मैश कर दीजिए, इसको भी लुगदी कहेंगे, समझ, अब लुगदी समझ आ रहा है किस चीज़ को कहा जा रहा है, एकदम सेमी सॉलिड कह सकते हैं, सेमी सॉलिड हो गया, तो उस स्टेट में खाना डाइजेस्ट होता है, सॉलिड नहीं डाइजेस्ट होता है। तो अब हमको बताइए कि डाइजेशन में सेचुरेटेड जल्दी डाइजेस्ट होगा कि अनसेचुरेटेड, थोड़ा और आपको हिंट करते हैं, अनसेचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और सेचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अनसेचुरेटेड इज द आंसर, अनसेचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट्स, रिमेंबर अनसेचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट्स एंड सेचुरेटेड फैट्स आर बैड फैट्स। जिसको हाँ बोले, घी इसलिए लेते हैं, ये जो जबान होती है आपकी मज़ा आ जाता है, टेस्ट टेस्ट इसी में आता है घी में, फैट में फैट में फैट में कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती है, कैलोरी वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। अगर फैट आप मेटाबोलाइज होने में टाइम लगता है तो ये क्या करेगा, ये आर्टरीज में ब्लॉकेज करेगा, कौन, घी करेगा, ऑयल ब्लॉकेज नहीं करेगा। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि खाना अनसेचुरेटेड खाना चाहिए। जैसे आप पूड़ी बना रहे हैं तो पूड़ी ऑयल में अच्छा रहेगा कि डालडा घी में, हाँ ऑयल में, हाँ डालडा घी में मज़ा ज़्यादा आएगा है ना, उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है, पूड़ी अगर उसमें किया है, घी नहीं खाते और अच्छी बात है, ऑयल खाइए, और ऑयल कैसा, अनसेचुरेटेड। ठीक है, वापस आते हैं, हमने ये किया कि किसी कंपाउंड में जब हाइड्रोजनेशन कराना है तो जितना डबल बॉन्ड रहता है, फॉर एवरी डबल बॉन्ड वी रिक्वायर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एल्कीन है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक मोल लगेगा, फिर अगर दो डबल बॉन्ड लगा दें तो 2H2 हो गया, यहाँ कितना डबल बॉन्ड है, यहाँ तीन डबल बॉन्ड है, जैसे जो गोला हमने बनाया इसके अंदर तीन तीन डबल बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन करेंगे तो ये क्या 3H2 हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन डायरेक्टली लिखिए, खाली ऐसे बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बेंजीन रिंग बना के ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए और ऊपर OH लगा दीजिए, प्लस 3H2 कर दीजिए, प्लस 3H2 कर दीजिए। उसका देखिए, जब भी हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यूजुअली वी ऐड निकल कैटलिस्ट, ऑन द एरो निकल कैटलिस्ट, 473 टू 533 के टेम्परेचर है, 473 टू 533 के। अब इसका जो अभी आपने कहा कि रिंग टूट जाएगी, रिंग टूटेगी नहीं, ये हो जाएगी, ये हट जाएगा, तीनों डबल बॉन्ड खाली हट गया, उसकी जगह पे क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन ला करके आपने ऐड कर दिया। अब जरा देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या है, बताइए, यहां पे CH है और यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया, अब ये CH2 हो गया, एक एक हाइड्रोजन सब जगह ऐड हो गया। ठीक है, तो CH2 सब जगह ऐड हो जाएगा, जहां जहां CH था CH2 हो जाएगा। देन राइट द नेम साइक्लोहेक्सेनॉल, प्रोडक्ट हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, हेलो हेलो, बताइए सर,
आप ऐसा करिएगा बेटा, अभी 4 बजे कॉल करेगा, हम क्लास ले रहे हैं, 4 बजे करिएगा तो हम लोग बात कर लेंगे बेटा, ठीक है? ठीक, ओके बेटा। अगली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9 शीट में देखिए, कोलबेज शिमिट रिएक्शन, KOLBE शीट से देखिए, KOLBE कोलबेज शिमिट रिएक्शन, SCHIMIDT कोलबेज शिमिट रिएक्शन, हेडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन पहले ऑब्जर्व करिए, कोलबेज शिमिट रिएक्शन, नाउ स्टॉप राइटिंग, एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी हमारी फिनॉल की चल रही है, फिनॉल को पहले आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, NaCl नहीं है ये, या तो सोडियम है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो फिनॉल को या सोडियम से सॉल्ट फॉर्मेशन, जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था, सॉल्ट फॉर्मेशन वहीं पर आया था, या हम सोडियम से रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। उसके बाद फिर अगर सोडियम फिनॉक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, CO2 पास कराते हैं, तो सोडियम सेलिसिलेट, सेलिसिलेट किसका सॉल्ट होगा? सेलिसिलेट सेलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम सेलिसिलेट, सेलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, हाँ ऊपर OH, हाँ तो सेलिसिलेट क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, एसिड होता है ये, जैसे आपने H हटाया ये क्या बन गया, ये एल्कानोएट बन गया, मतलब उसी का करस्पॉन्डिंग एस्टर बन जाता है। जब किसी एसिड से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये सेलिसिलेट हो गया, और यहाँ Na लगा दें तो ये सोडियम सेलिसिलेट हो गया ना, यहाँ Na कर दिया, इस बिकेम सोडियम सेलिसिलेट। जब हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 गैस पास कराते हैं तो सोडियम सेलिसिलेट बनता है, सोडियम सेलिसिलेट। अब अगर आपके पास RCOONa है और हम कह रहे हैं कि इसको एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या करेंगे? किसी सॉल्ट को एसिड बनाना है, और वो भी कौन सी एसिड, जो इस सॉल्ट की पेरेंट एसिड है उसी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सोडियम एसिटेट है, CH3COONa, हम से कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड बना सकते हैं क्या इससे? आंसर इज हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेरेंट एसिड बनेगा, पेरेंट बेस बन जाता है। किसी भी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कराने पे पेरेंट एसिड बनता है, पेरेंट बेस बनता है। जैसे एसिड बेस रिएक्ट करा के सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उसी का उल्टा कर लिया कि किसी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करा दें तो एसिड बनेगा प्लस पेरेंट बेस बनता है। तो देखिए इसमें पेरेंट एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। पेरेंट बेस क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से देखिए, अब हमारे पास सोडियम सेलिसिलेट है, सॉल्ट सोडियम सेलिसिलेट, और हम कह रहे हैं इसे सेलिसिलिक एसिड बना दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दें। तो जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो यही Na हट करके COOH हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो गया? सेलिसिलिक एसिड, दिस बिकेम सेलिसिलिक एसिड। तो कोल्ड शिमिट से क्या बनाते हैं? सेलिसिलिक एसिड बनाते हैं, विच इज अ पेन किलर। सेलिसिलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? इट इज द पेन किलर। जितनी दर्द की दवाएं भी सेलिसिलिक एसिड की कई एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। सेलिसिलिक एसिड इज यूज एज अ पेन किलर, इटसेल्फ इट इज अ पेन किलर, इटसेल्फ इट इज अ पेन किलर। कैसे बनाया हमने? पहले सोडियम फिनॉल को पहले क्या किया? सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर CO2 गैस जब पास किया तो सोडियम सेलिसिलेट बन गया, फिर सोडियम सेलिसिलेट की जब हाइड्रोलिसिस की हमने मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दी तो सेलिसिलिक एसिड फॉर्म कर गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखिए, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल
when sodium salt of phenol, that is sodium phenoxide, that is sodium phenoxide, sodium phenoxide is heated with CO2, is heated with carbon dioxide at 130 degree C, at 130 degree C, at 130 degree C, and 6 atm pressure, and 6 atm pressure, 6 atm pressure, then comma, it gives sodium salicylate, it gives sodium salicylate, sodium salicylate, which on acid hydrolysis, which on acid hydrolysis, which on acid hydrolysis with dilute HCl, with dilute HCl forms salicylic acid. Then write chemical equation. यहीं से स्टार्ट करिए. सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन रिंग हैविंग ओ एन ए, सोडियम फिनोक्साइड प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द एरो 130 डिग्री सी टेम्परेचर, ऑन द एरो 130 टेम्परेचर, बिलो द एरो 6 atm प्रेशर, गिविंग बेंजीन रिंग having OH, फिर ऑर्थो पर COONA, बेंजीन रिंग में OH लगाइए पहले, फिर ऑर्थो पर COONA, इसका नाम है सोडियम सेलिसिलेट, दिस इज सोडियम सेलिसिलेट. फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एरो पर H प्लस लिखिए, एसिड हाइड्रोलिसिस. हाँ बोली, कहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है बताइए. टेम्परेचर 130 डिग्री सी बोला तो मैंने, हैं यहाँ पे CO2 के नीचे 130 डिग्री सी एंड प्रेशर है 6 atm, प्रेशर 6 atm, तो बन गया सेलिसिलिक एसिड, नो सोडियम सेलिसिलेट. फिर सोडियम सेलिसिलेट का क्या किया, हाइड्रोलिसिस कराई. कैसे, एसिड डाल दिया, एच प्लस डाला, तो हमने एच प्लस लिख दिया, HCl डाल दिया, देन गिविंग दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या इकरा, फाइनल प्रोडक्ट सेलिसिलिक एसिड. बहुत अच्छा, लिखिए बेंजीन रिंग, ऊपर OH लगा दीजिए और ऑर्थो पर COOH, सेलिसिलिक एसिड, सेलिसिलिक एसिड. अब थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं और उसके बाद एक JEE मेन 2014 का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको कर दें. आप हमको बता दीजिए एसिटाइलेशन क्या होता है, व्हाट इज एसिटाइलेशन. बहुत अच्छा, एडिशन ऑफ एसिटाइल इज कॉल्ड एसिटाइलेशन. एसिटाइल का फॉर्मूला CH3CO, इसको एसिटाइल कहते हैं ना, CH3CO+, क्योंकि एसिटाइल. हाँ बहुत अच्छा. अच्छा, एसिटाइलेशन दो कंपाउंड से कराते हैं. बहुत अच्छा, हाँ फिर से बोलिए. CH3Cl, नाम क्या, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्वाइड एक. बहुत अच्छा, दूसरा ये हो जाता है CH3COO, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड. दीज टू कंपाउंड्स आर यूज फॉर एसिटाइलेशन. ये दोनों कंपाउंड देखिए, जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये देखिए, ये क्या बनाया इसने, एसिटाइल बना दिया, एसिटाइल प्लस, और ये क्या गया, सील माइनस. इसको जब ब्रेक करते तो देखिए, ये इसने भी यही बनाया, एसिटाइल प्लस, और ये क्या बना, एसिटेट माइनस.
इसका साइड प्रोडक्ट, बहुत अच्छा, साइड प्रोडक्ट इसका HCl चला जाएगा, इसका साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड, H लगा दिया, ये एसिटेट था, एसिटेट में H लगा दिया तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। दूसरी चीज रिकॉल करिए, किस कंपाउंड का एसिटाइलेशन होता है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिटाइलेशन, लिखिए फिर से लिखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2 ग्रुप्स अंडरगो एसिटाइलेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2 ग्रुप्स, तो एल्कोहल में होगा और एमिनो वाले कंपाउंड्स में होगा, अंडरगो एसिटाइलेशन। फिर जरा सुनिए हमको पहले, फिर लिखेंगे कॉपी में, खूब ध्यान से सुनिए। ये तो हमने बताया किस कंपाउंड में, पहले बताया कि एसिटाइलेशन क्या होता है, तो आपने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल इज कॉल्ड एसिटाइलेशन, किसी कंपाउंड में जब एसिटाइल ऐड करते हैं उसी को एसिटाइलेशन कहा जाता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो आइदर वी यूज एसिटाइल क्वाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी को यूज करके हम लोग एसिटाइल ऐड कर देते हैं। फिर दूसरी चीज, किस कंपाउंड में एसिटाइलेशन होता है, तो आंसर ये आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2 ग्रुप। तो जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे अभी हम लोग बायोमालिक्यूल में आएंगे, बायोमालिक्यूल में ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज सब में OH ग्रुप होता है, जैसे ग्लूकोज में 5 OH रहता है, 5 OH ग्रुप्स आर देयर। तो जब हम लोग उसका एसिटाइलेशन करते हैं, रिमेंबर ऑल OH ग्रुप्स टेक पार्ट इन द एसिटाइलेशन, जितने OH होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इंटरेस्टिंग आता है, जब ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं तो 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ट्रीटेड, आपको याद हो जाएगा 5 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 5 OH होते हैं, जब भी एसिटाइलेशन करते हैं जितने भी OH हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर वापस आते हैं, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिटाइलेशन, बोलिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एंड NH2। फिर वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, अभी जो कंपाउंड हम लोगों ने बनाया, कौन सा बनाया, कोल शिविट से क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड में OH ग्रुप है, तो सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइलेशन हो सकता है, हो सकता है, बहुत अच्छा। अब आगे से देखिएगा, जैसे ही आपको OH का दर्शन हुआ, जैसे आपको NH2 दिखाई पड़ा, तो अब आप घर पे जाके इसको करिएगा, पन्ना पलटिए, देखिए वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाइलेशन, आपको पहले से पता है कि एक रिएक्शन तो होगा एसिटाइलेशन, तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये रिएक्शन हमको पहले से आता है कि एक प्रॉपर्टीज की ऐसी होगी। अब इसको चेक करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, आप जाएगा इसके पास, ये कंपाउंड हमारे कोर्स में है कि नहीं, अमाइंस हमारे कोर्स में है चैप्टर, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी आज घर पे जाके चेक कीजिएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी एक तरफ से पलटिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ एसिटाइलेशन मिल गया, हाँ अच्छा लगेगा आपको। और फिर क्या करते हैं, एसिटाइलेशन क्यों हुआ उसमें, क्योंकि NH2 ग्रुप था, तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी एसिटाइलेशन। देखिएगा इस कंपाउंड को पहले पहचानिए जरा, NH2, CONH2, इसको पहचानिए, NH2, CONH2, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, बहुत अच्छा। किसने दिया था इसको, ना कोल्बे ने नहीं दिया यार, हु गेव अस द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, हाँ W से है, बहुत अच्छा, होलर, फेडरिक होलर नाम था। अगर ये और दूसरा मेरे से बिना रहे बताए रहा नहीं जाता, 16 ईयर्स, आपकी उम्र कितनी, 16-17 ऐसी होगी, 16 होगी या 17 होगी, वो तो नगर निगम डिसाइड करता है आपकी उम्र क्या है, क्योंकि 150 रुपये में पैदा हो जाते हैं और क्या, जब एडमिशन होना होता है स्कूल में तो 150 रुपये का सर्टिफिकेट बनता है, पैदा हो जाते हैं, भाई इस साल एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में, फिर पैदा हो गया अगले साल सर्टिफिकेट बन जाता है, क्योंकि उसमें एज का चक्कर फंसता है ना, तो पैदा होने में इंडिया में 150 रुपया लगता है, आप पैदा हो जाइए।
तो 16 या 17 कोई फर्क नहीं है। होता है यार, क्योंकि कागज पे चलते हैं। कितने लोग ऐसे जिंदा हैं ऑन पेपर मर गए, हाँ वो जिंदा हैं और उनकी पेंशन रुकी पड़ी है। वो कह रहा है जाके, कह रहा है भैया हम जिंदा हैं, हमको पेंशन, कह रही तो मर चुके हो। ये इंडिया का कानून चल, अब कहीं पे किसी ने डेटा फीड कर दिया, अब एक बार फीड हो गया तो फीड हो गया, क्योंकि पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक जगह सर्वर पे चढ़ गया तो सब जगह भाई रिफ्लेक्ट करेगा, आप डेड हैं। अब आप वो इंसान सामने खड़ा है कि भाई जिंदा हो, हमारी पेंशन, भाई बीवी बच्चे हमारे कैसे जिंदा रहेंगे, सरकारी नौकरी थी हमारी, कहने तुम मर चुके हो। तो आप चल रहा है भाई, ऐसा तो कोरोना में कितनी जगह पर हुआ था। एक भोपाल का केस हुआ था, वो लड़की डॉक्टर थी, उसके दादी को डेथ डिक्लेयर कर दिया, दादी को। अगर वो डॉक्टर ना होती तो सोचिए क्या होता। फिर वो लेकर के आए और उसके बाद फिर जैसे ही वो होता है ना जिस पे रख करके जलाया जाता है, हैं अर्थी नहीं, अर्थी तो होता है जिस पे ले जाते हैं बॉडी को, उसको बायर कहते हैं, वो नहीं, उसके बाद बॉडी को उठा करके चिता, हाँ बहुत अच्छा चिता, जिसमें लकड़ी लगा करके फिर बॉडी को रखते हैं, फिर नीचे जलाते हैं। अब क्या हो गया है कि लकड़ी की चिता बना दी गई, उसे एम्बुलेंस से निकाल करके रखना था, तो वो लड़की जा करके बॉडी तो उसने छुआ तो बोलती कि नो शी इज़ अलाइव, डॉक्टर थी वो, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी गर्म थी, बॉडी गर्म का मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अब उसने कहा नो नो नो, ये दादी अभी जिंदा है, मरी नहीं है, और वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट हो गया उसका हॉस्पिटल से, तभी तो लिया जलाने के लिए, वहाँ पे सारा सब कुछ फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट हो गया, पेमेंट वेमेंट सब हो गया कि अब ये जा चुकी हैं, और उसके बाद फिर वापस आए हैं और ट्रीटमेंट किया गया और फिर जिंदा थी बाद में वो। तो सोचिए अगर वो ना होती जिंदा, अच्छा वो क्योंकि एकदम एजेड थी, सोचिए कैसा लगता जिंदा जलाया जाता है इंसान को, कैसा लगता उनको जिंदा जला देते। तो इस समय सब चल रहा है, इसलिए रोज़ योगा करिए भैया सब लोग, ठीक है, बॉडी को फिट रखिए, बॉडी को फिट रखिए, जब बॉडी फिट रखेंगे तो माइंड फिट रहेगा। आधे घंटे 15 मिनट एक्सरसाइज योगा ज़रूर करिए, ठीक है, जब बॉडी फिट रहती है तो आपको अच्छा भी लगता है। बस ये वाला पॉइंट बता के आगे चलते हैं। फ्रेडरिक होलर वॉज ओनली 16 ईयर्स ऑफ एज जब उसने हमको ऑर्डिनरी कंपाउंड दिया था, 16 साल का लड़का जिसने हमको ये कह दिया कि नहीं, उसके पहले थ्योरी चल रही थी वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या था कि ऑर्डिनरी कंपाउंड हम लोग नहीं बना सकते। ये थ्योरी किसने दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्डिनरी कंपाउंड हम लोग नहीं बना सकते, ऑर्डिनरी कंपाउंड कौन बनाता है, अल्लाह मियाँ बनाते हैं, वो गॉड बनाता है, नेचर बनाती है, हम लोग ऑर्डिनरी कंपाउंड नहीं बना सकते। और इस 16 साल के बच्चे ने कहा नहीं हम बना सकते हैं। लेकिन फिर जब इसने फर्स्ट टाइम बनाया है तो क्या पूरी दुनिया ने बिलीव किया होगा कि हाँ बन सकता है, नहीं। फिर से ये 1828 में बनाया था फर्स्ट ऑर्डिनरी कंपाउंड, 1828 में, उसका सेकेंड ऑर्डिनरी कंपाउंड 1845 में एसिटिक एसिड, थर्ड ऑर्डिनरी कंपाउंड 1856 में मीथेन, उसके बाद कोई फोर्थ कंपाउंड नहीं, देयर आर नंबर ऑफ फोर्थ कंपाउंड्स, फर्स्ट मिला, सेकेंड मिला, थर्ड मिला, तब लोगों को बिलीव हुआ कि ऑर्डिनरी कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं, फिर एक साथ कंपाउंड बनने शुरू हुए। इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड की सिग्निफिकेंस है, फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ की सिग्निफिकेंस नहीं है, फोर्थ बहुत सारे कंपाउंड हैं। जब बहुत सारे कंपाउंड बन गए देन वी नीडेड आईपीसी नॉमनकेचर, तब हम लोगों ने 1860 में आकर के आईपीसी नॉमनकेचर स्टार्ट किया। उसके पहले कंपाउंड ही नहीं थे तो नॉमनकेचर की क्या जरूरत थी, तब आईपीसी नॉमनकेचर की, हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग, भाई हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग, चाइना में कंपाउंड डिस्कवर हो बोले क्या बना, बोले चिंग चुंग च्यांग कुछ और क्या, अपनी लैंग्वेज बता दिया उसने, बाद में पता लगा ये तो एसिडिक एसिड था, अरे ये तो जानते थे लेकिन अपनी लैंग्वेज में बता रहा था। तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं, सब लोग एक एक लैंग्वेज होगी जो पूरे वर्ल्ड में सेम चलेगी। तो हमने क्या बनाया, आई यू पी
ACP, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर IPCC रूल बनाने में टोटल हमको कितना टाइम लगा होगा? 100 ईयर्स। इट टुक मी ओनली 100 ईयर्स। हाँ और क्या, ओनली 100 ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ IPCC रूल। 100 साल लगे IPCC रूल बनाने में। IPCC है, फिर से बोलिए, ये 100 साल में ना। हाँ और क्या, इससे क्या सीखने मिलता? बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। नो वन राइजेज सडनली इन द वर्ल्ड, ऊपर देखिए क्या लिखा, नॉट इवन द सन। ये कोटेशन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप एफर्ट करिए, सक्सेस नहीं मिलता है तो जस्ट वेट। हर चीज में वक्त लगता है, बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है, ठीक है। 100 साल लगे हैं IPCC रूल्स बनाने में, तो यार अगर एक महीने में नहीं आ रहा तो क्यों परेशान हो रहे हो? आएगा। और फिर करिए। अभी जब गलत हो जाता है तो आप इरिटेट होते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको, फिर याद कर लेंगे नहीं 100 साल लगा बनाने में, तो इतनी जल्दी नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, वापस आइए। यूरिया को देखिए, यूरिया में एसिटाइलेशन हो सकता है कि नहीं? NH2 तो है, हमने क्या कहा, ऑर्डिनरी कंपाउंड हैविंग OH और NH2, दे अंडरगो एसिटाइलेशन। तो अब यूरिया तो अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स से हट चुका है, पहले था यूरिया वॉज अ चैप्टर, एसिड डेरिवेटिव के नाम पे चैप्टर होता था करीब 10 साल पहले, तो यूरिया अलग से पढ़ते थे हम लोग, अब अनफॉर्चुनेटली हट गया है। अनफॉर्चुनेटली है कि फॉर्चुनेटली है? जो भी है, हट गया है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है यार। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको पता लगता है कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, उससे पहले और डिटेल में स्टडी करते, बट इतना तो देख के बता देंगे, जैसे आपने NH2 देखा तो आप बोलेंगे वन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी एसिटाइलेशन, इतना याद हो जाएगा। कंपाउंड कंटेनिंग OH एंड NH2 दे अंडरगो एसिटाइलेशन। फिर अपने पॉइंट पर आते हैं, सैलिसिलिक एसिड, OH है, अच्छा एसिटाइलेशन यहां पे होता है क्या? यहां नहीं होता, ये एसिड है, एसिड में नहीं होता है। एसिड OH अलग अलग होता है ना, OH हाइड्रोक्सी होता है, OH में होगा और NH2 में होगा। तो इतना हमने हिंट कर दिया, अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, नहीं मेन का क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन 2014 का, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मतलब इतना तो क्लियर हो रहा है कि एसिटिक सैलिसिलिक एसिड में अगर हम, और थोड़ा हिंट करते देखिए, RC डबल बॉन्ड, इसको नोट कर लीजिएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ऐसे लिखिए पहले, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और RCO whole twice O लिख सकते हैं, RCO whole twice O, और RCO को बोलते हैं असाइल को शॉर्ट में लिखते हैं AC, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AC2O, AC स्टैंड फॉर असाइल, ACYL, असाइल। तो आप देखिए जरा, इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, बहुत अच्छा। दिस रिएक्शन, दिस कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज अ एसिटाइलेटिंग एजेंट। नाम कैसे बोले, AC2O इज यूज फॉर वॉट, एसिटाइलेशन। अब नीचे सेंटेंस लिखिए, AC2O इज यूज फॉर एसिटाइलेशन। अब ये क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। रेफरेंस करिए जेई मेन 2014, क्वेश्चन लिखिए IIT जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, सोडियम फिनॉक्साइड, नहीं स्टेटमेंट लिखिए पहले,
सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड, सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड, सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विथ CO2, विथ CO2, सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विथ CO2अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर एट 125 डिग्री सी, एट 125 डिग्री सी गिव्स अ प्रोडक्ट, गिव्स अ प्रोडक्ट विच ऑन एसिटाइलेशन, गिव्स अ प्रोडक्ट विच ऑन एसिटाइलेशन प्रोड्यूसेस सी, कैपिटल सी, प्रोड्यूसेस सी। अब नीचे रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन दिया था पेपर में, बेंजीन रिंग हैविंग ओ एन ए, बेंजीन रिंग हैविंग ओ एन ए, रिएक्शन को पहचानिएगा, प्लस CO2, प्लस CO2, एरो पे लिखा था 125 डिग्री सी और एरो के नीचे लिखा 5 एटीएम, हम लोगों ने 130 और 6 एटीएम लिखा था, ठीक है, उसी के आसपास दे दिया इन्होंने। कंपाउंड बी बन गया, बी का नाम बताइए पहले, हाँ कंपाउंड बी का नाम बताइए पहले, कंपाउंड बी बन गया सोडियम, सोडियम सेलिसिलेट, बहुत अच्छा, ये सोडियम सेलिसिलेट हो गया। फिर आगे दिया है, एरो पे लिखे एच प्लस, एच प्लस, और यहां पे लिखा है ए सी टू ओ, ए सी टू ओ, और ये बन गया सी, ये बन गया सी। अब देखिए बी इज सोडियम सेलिसिलेट, जब एच प्लस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिसिलिक एसिड, फिर सेलिसिलिक एसिड में ए सी टू ओ करेंगे तो, बहुत अच्छा, जब एसिटाइलेशन होगा तो देखिएगा एसिटाइलेशन में क्या हटा के क्या लगाते हैं, हाँ कहाँ से एच हटाते हैं, OH से हटाते हैं, ठीक है, तो सेलिसिलिक एसिड बनेगा, पहले सेलिसिलिक एसिड का ये हटाएंगे, एच हटाएंगे यहाँ से, ये एच हटाया और इसी एच की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे और कोई कलर लेते हैं तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा, ये लगा दिया हमने सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। एसिटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, सी सी एस थ्री सी ओ इज कॉल्ड एसिटाइल, सी एस थ्री सी ओ, इसी को एसिटाइल कहते हैं हम लोग, है कि नहीं, सी एस थ्री सी ओ। तो अब जरा ऑप्शंस लिखिए, फिर नीचे सेंटेंस लिखा है द मेजर प्रोडक्ट सी, द मेजर प्रोडक्ट सी, द मेजर प्रोडक्ट सी, सी इज मेजर प्रोडक्ट सी इज, फिर चार ऑप्शन लिखेंगे हम लोग, चार ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन रिंग OH ऑर्थो पर सी डबल ओ सी एस थ्री, सी डबल ओ सी एस थ्री, पहला ऑप्शन, ये तो एस्टाइलेशन हुआ नहीं, OH में तो कुछ किया ही नहीं आपने, फिर से बोलिए, सी डबल ओ सी एस थ्री, सी डब नहीं, हाँ सी डबल ओ सी एस थ्री, ये पहला ऑप्शन था जो कि गलत है, सेकेंड ऑप्शन लिखिए, सेकेंड ऑप्शन लिखिए, सेकेंड ऑप्शन था बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, फिर ऊपर लगा है ओ सी ओ सी एस थ्री, ओ सी ओ सी एस थ्री, और उसके बाद फिर मेटा पोजीशन पे लगा है सी डबल ओ एच, मेटा पे लगा है सी डबल ओ एच,
सही है कि गलत? हाँ, थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं, फिर आप कंपेयर करेंगे वो सही है कि ये सही है, है ना। थर्ड कंपाउंड लिखिए, देखिए एकदम मिलता जुलता है, ओ सी ओ सी एस थ्री, ये तो सेम है। हाँ, अभी कैसे पता? ये दोनों एक ही कंपाउंड है भैया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद इसके ऑर्थो पे लगा है सी डबल ओ एच, ऑर्थो पे लगा है सी डबल ओ एच, हाँ बोले, फिर से बोले बेटा कैसे? हाँ ऑर्थो पेर है, और ये क्यों क्यों गलत है ये? तो क्यों गलत है? नहीं, एसिटाइलेशन तो एसिड से कोई मतलब ही नहीं है एसिटाइलेशन का। सैलिसिलिक एसिड जो होता है उसमें एसिड ऑर्थो पे रहता, मेटा पे नहीं रहता, ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन गलत है, इसलिए थर्ड सही है। सैलिसिलिक एसिड का एस्टाइलेशन, अभी तो हम लोगों ने क्या, तो सैलिसिलिक एसिड बनेगी, उसका सैलिसिलिक एसिड एस्टाइलेशन करेंगे तो ये सैलिसिलिक एसिड थोड़ी ना है, सैलिसिलिक एसिड तो ये है जब ऑर्थो पे ऑप्शन लगती है, तो ये प्रोडक्ट आएगा। फिर चौथा ऑप्शन लिखिए, ये देखिए बिना सिर पैर वाला ऑप्शन देखिए, बेंजीन रिंग है, ऊपर ओएच लगा दिया, ओएच को छुआ ही नहीं इन्होंने, नहीं नहीं देखिए तो सी ओ सी एस थ्री और ये सी ओ सी एस थ्री, ऑर्थो और पैरा पर एसिटाइल लगा दिया, ये एकदम नया रिएक्शन इन्वेंट कर दिया, मतलब एसिटाइलेशन में इन्होंने क्या किया, पूरा एसिड ग्रुप हटा के वहां एसिटाइल लगा दिया। ऐसे एस्टाइलेशन होता है क्या? एस्टाइलेशन केवल OH में होता है और NH2 में होता है, एसिड में नहीं होता है। दो जगह लगा दिया वो भी, ठीक है, तो कहाँ टिक कर दिया जाए? थर्ड वाले पे टिक करके लॉक कर दीजिए। फिर इसके बाद खाली नोट लिख लीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। लिखे नोट, और इसके नीचे यही कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, नाम लिख लीजिए इसका, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और उसी के नीचे लिखिएगा एस्प्रिन, एस्प्रिन, एस्प्रिन का नाम सब लोग जानते हैं, एस्प्रिन ये मेडिसिन है, तो हम लोग घर पे एस्प्रिन बना सकते हैं, मैनकाइंड के पास जाने की जरूरत नहीं है। नोट लिख करके बस छोड़ दीजिए, लिखिए सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ, सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ, इट इज अ पेन किलर, सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ, इट इज अ पेन किलर, इटसेल्फ इट इज अ पेन किलर, एंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, एंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ of following compounds, following compounds। अब इसके कुछ important compound हम लोग स्टडी करेंगे, नीचे हेडिंग करके छोड़ दिए, नंबर वन एस्प्रिन, नंबर वन एस्प्रिन, और केमिकल नेम ब्रैकेट में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, बस अब अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।